कन्नौज में देर रात तक जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और एडीएम गजेंद्र सिंह ने लाओ लश्कर के साथ देर रात तक सड़कों के किनारे रहने वालों गरीबों के हाल चाल व उनकी हकीकत परखने निकले। नगरीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर जलने वाले अलावों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों ने जिला अस्पताल बस स्टैंड और विनोद दीक्षित परिसर में बनाए गए रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल और बस स्टैंड पर ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंदों को तीमारदारों के हाल चाल जानते हुए कम्बल वितरित किए। इस दौरान साथ में मौजूद एडीएम गजेंद्र कुमार ने कम्बल पा रहे लोगों को कहा कि वह कम्बल का स्वयं इस्तेमाल करें, इसको कहीं बेचे नहीं। वहीं मौजूद अन्य अधिकारियों को डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि रोज रात को सार्वजनिक क्षेत्रों का निरीक्षण करें, यदि कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा हो तो उसको पास के रैन बसेरे में ले जाएं, साथ ही कम्बल भी उपलब्ध कराएं, अलाव के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। आज हम औचक निरीक्षण पर निकले थे कि जो हमारे मेन मेन जगह हैं, हॉस्पिटल है, रोडवेज है, रेलवे स्टेशन है, सब जगहों पर अलाव की व्यवस्था है। और इसके अलावा जो हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको डॉक्टर के स्टैंड में ओढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, और जो वो प्रॉपर ढंग से चल रहा है, तो इसको हमारे लोगों ने भी देखा था, लेकिन इसको फिर हमने जो है आज ये देखना जो है सभी लोगों को व्यवस्था ठीक है। अभी तक हमने देखा सभी लोगों को ठीक है, हमने सभी मरीजों से बात किया और उनके द्वारा बताया कि पर्याप्त